हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहते हैं, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत आता है, तो इस दिक्कत को कैसे समाप्त करेंगे, तो हम चलते हैं इस एपिसोड पे। हम आपको बताएंगे कि धारा प्रवाह इंग्लिश कैसे बोले या कैसे सीखे। अगर मान लीजिए किसी लेडीज को खून की कमी हो गया है, तो आप तो उसे एक दिन खून दे करके उसको बिल्कुल हट्टा कट्टा तो नहीं कर सकते हैं ना। आपको एक एक टेबलेट करके देना पड़ेगा, जो कि वो कुछ दिन तक खाएगी, महीना, दो महीना, चार महीना, छः महीना, तब जाके वो भली भांति स्वस्थ हो जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे इस एक वीडियो पर ही आप जो है ना धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगेगा, ये कतई संभव नहीं है। हाँ, मैं ट्रिक्स बताता हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे तो चार महीना, छः महीना में आप जरूर धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने लगेंगे। क्वेश्चन सभी के पास यही होता है कि हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन, हाउ वी आर हेजिटेशन फ्री, हाउ कैन आई स्पीक हेजिटेशन फ्री। हेजिटेशन मोस्टली क्रिएटिंग द पीपल दे आर नॉट एबल टू स्पीक। दुनिया भर पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, लेकिन धारा प्रवाह इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको धारा प्रवाह कैसे इंग्लिश बोलें उसको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, आज का एक सॉन्ग है ब्यूटीफुल लायर, ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। पहले आप एक कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और कोशिश कीजिए कि एक पेन ब्लू हो या ब्लैक हो तो दूसरा पेन रेड जरूर हो। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे, एक सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आप YouTube पर जाकर लिखेंगे ब्यूटीफुल लायर, सफाई से झूठ बोलना, जिसका मतलब होता है। तो पहला आपको आवाज मिलेगा ओह, बी वाइंस, ये दो बार आवाज आता है। इसके बाद आवाज आता है सकीरा सकीरा, और पीछे से एक आवाज आएगा आपको हे करके। तो हे को हमने कोमा में डाल दिया है ताकि आपको पकड़ में आ जाए कि ये आवाज बैक से आया है। इसके बाद उसका पहला लाइन आता है सेड आई एम वर्थ इट, हिज वन डिजायर आई नो थिंग्स अबाउट हिम दैट यू ऑन नॉट ब्लेम रीड अबाउट ही सेड। आई एम को देखिए यहां शॉर्ट में बोला है, आई एपोस्ट्रोफ देखे एम वर्थ इट, ठीक है। इसके बाद वो बोलता है हिज वन डिजायर आई एम वर्थ इट, इसका ये मतलब हुआ मैं इसके योग्य हूं। हिज वन डिजायर, उनकी एक ख्वाहिश है, इच्छा है, तमन्ना है। आई नो थिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूं। दैट यू ऑर नॉट वन रीड अबाउट, आप उसके बारे में पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं या पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बोलती है ही किस्ड मी हिज वन एंड वनली ब्यूटीफुल लायर ही किस्ड मी के आई एस एस ई डी, यहां ई डी किस से ई डी लगा हुआ है, तो आपको डिक्शनरी में किस का स्पेलिंग खोजना है, इसका अर्थ खोजना है, ना कि के आई एस एस ई डी का खोजना है, क्योंकि यहां भाव का तीसरा रूप इस्तेमाल किया गया है। ही किस्ड मी, उसने चुमा मुझे। हीज एंड वन ली
इसके बाद यस का, यह का आवाज बैक से आता है जिसके लिए हमने उसको कोमा में डाल दिया है। ब्यूटीफुल लायर जो कि उसका एक ही और एक काम है सिर्फ झूठ बोलना। टेल मी हाउ यू टॉलरेट द थिंग्स यू जस्ट फाउंड अबाउट। अब आप ही बताइए, कह रही है कि टेल मी हाउ यू टॉलरेट द थिंग्स यू जस्ट फाउंड अबाउट। अब जो उसके बारे में पता चला है उसको कैसे बर्दाश्त करे, उन चीजों को कैसे बर्दाश्त करे। इसको कह रहे हैं फिर नेक्स्ट, यू विल नेवर नो, आप कभी नहीं जान पाओगे। व्हाई आर वी द वंस हु सफर, व्हाई आर वी द वंस हु सफर, वो मैं क्यों इनको झेल रहा हूं। सफर करना SUFFER, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसका मीनिंग खोजिए अगर आप नहीं जानते हैं। और उस मीनिंग को आपको लिखने का तरीका यह है कि आप जिस पन्ना में अभी आप लिख रहे हैं इस सॉन्ग को, एक्चुअल में सॉन्ग है, जब इसको लिख रहे हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, उसके बाद उसमें एक एरो दीजिए, फिर इसका प्रोनाउंसिएशन को लिखिए, इसके बाद फिर इसका तीन चार मीनिंग को लिखिए, जैसे SUFFER, इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा उसको लिखिए, फिर उस उच्चारण को लिखिए, और जो भी दो तीन मीनिंग है उसको लिख डालिए। Why are we, हम लोग क्यों इसको, उसको वन हु सफर, क्यों उसको झेलूं या सफर मतलब कि कष्ट झेलूं, ये कहना था। I have to let go, छोड़ो उसको, जाने देना चाहिए मुझे, ठीक है। He will not be the one to cry, वो रोने वाला नहीं होगा। He will not be the one to cry, वो रोने वाला नहीं होगा। चलिए let us not kill the korma, let us not kill the korma। अब korma का मीनिंग मत खोजिए, क्योंकि ये एक लड़की का नाम है जिसको ये इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है let us not kill the korma, korma को मत मारो। let us not start a fight, लड़ाई चालू मत करो। इट्स नॉट वर्थ द ड्रामा, ये कोई कीमती ड्रामा या नाटक नहीं है, ठीक है। फॉर ए ब्यूटीफुल लायर, एक झूठ बोलने वाले के लिए ये कोई बहुत बड़ा ड्रामा नहीं है। ओह, फिर आपको ओह ओ एच साउंड है जो कि बैकग्राउंड में हम लिख रहे हैं, चूंकि ये साउंड बैक से आता है। कांट वी लव अबाउट इट, हम लोग उसके लिए लेके जो है ना हंस भी नहीं सकते हैं। उसके बाद बैक ब्रैकेट में हमने HAHA लिख दिया, ये हा हो गया, ठीक है। ये बैक से आया है इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट से डाल दिया। इसके बाद कहता है इट्स नॉट ए वर्थ आवर टाइम, ये हमारे समय के लिए भी कीमती नहीं है। वी कैन लिव विदाउट हिम, जस्ट ए ब्यूटीफुल लायर, उसके बगैर भी हम जी सकते हैं। एक भाई एक झूठ बोलने वाला है, सफाई से झूठ बोलने वाले से। आगे गाने में है आई ट्रस्टेड हिम, बट मैंने उस पर क्या किया, भरोसा किया। आई ट्रस्टेड हिम लेकिन, बट व्हेन आई फॉलो यू, कह रही है कि बट व्हेन आई फॉलो यू, जब मैंने पीछा किया, आई सो यू टुगेदर, मैंने देखा तुम दोनों को, मैं आई डिड नॉट नो अबाउट यू, देन स्टिल में, स्टिल नहीं बोलता, टिल एस एपोस्ट्रोफ में डाल दिए हैं, टिल I saw you with him again, और हमने फिर दोबारा आपको
कहाँ देखा, दोबारा फिर साथ में देखा। आगे देखिए फिर क्या लगता है, आई वॉक इन योर लव स्कीम, मैं टहला गुजरा तुम्हारे उस दृश्य के पास। अब स्किन का मतलब नहीं मालूम है तो आप डिफिकल्ट वर्ड में इसको भी खोज के जो तरीका बताया अपने जिस पन्ने में लिख रहे हैं उसी पन्ने में उसका अर्थ को लिखिए प्रोनाउंसिएशन के साथ और मीनिंग के साथ और दो तीन मीनिंग। आई सो यू विथ हिम अगेन, उसका कह रहा है कि हमने फिर उसको दोबारा देखा। तो हाँ सॉरी, आई वॉक इन योर लव स्किन स्लो डांसिंग, आप क्या कर रहे थे वहां, धीरे धीरे नाच रहे थे और ये सकीरा क्या कर रही थी, देख रही थी। ठीक है, यू स्टोल एवरीथिंग, आपने सब चीज चुरा लिया। हाउ कुड यू से आई डिड यू रॉन्ग, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने आपके लिए कुछ गलत किया। उसके बाद आवाज आता है यस या एक्चुअल में ये दो सौतन का कहानी है। इस सॉन्ग को आपको पूरे को सुनेगा बहुत अच्छा है, बहुत लचकदार है और हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे लिखता है वी विल नेवर नो, वी विल नेवर नो, हम लोग को कभी वी विल नेवर नो, हमको कभी पता नहीं चलेगा। व्हेन द पेन एंड हार्ट ब्रेक ओवर, जबकि हमारा दर्द और हृदय क्या हो गया, दर्द से भर गया है। हैव टू लेट गो, अब जाने दो। द इनोसेंस इज गॉन, इनोसेंस का क्या अर्थ होता है पता कर लीजिए डिक्शनरी में देख के, वैसे मैं बताते चाह रहा हूँ। इनोसेंस का अर्थ होता है इंसानियत, मानवता। कहता द इनोसेंस इज गॉन, गो वेंट गॉन, तो गो का तीसरा रूप यहाँ गॉन है, तो द इनोसेंस इज गॉन, इंसानियत चला गया, यही बात इसमें वो कह रही है। इसके बाद बोलती है लेट्स नॉट किल द कोरमा, लेट्स नॉट स्टार्ट ए फाइट, इट इज नॉट वर्थ द ड्रामा फॉर ए ब्यूटीफुल लाइफ। भाई पीछे जो बात बोला मैंने बताया उसको फिर रिपीट किया गया है। फिर आगे बोलती है ओ कैन नॉट We love about it, ठीक है, कैन नॉट वी लव अबाउट इट, इसके बारे में लेकर हम जो है ना हंस नहीं सकते हैं। उसका हंसने का आवाज आता है जो कि हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं। इसके बाद आता है इट्स नॉट वर्थ आवर टाइम, ये हमारे समय के लिए भी कीमती नहीं है। वी कैन लिव विदाउट हिम जस्ट ए ब्यूटिफुल लायर, हम इसके बगैर भी जी सकते हैं। एक तो अभी जो एक झूठ बोलने वाला है, सफाई से झूठ बोलने वाला है, उसको उसके बगैर भी जी सकते हैं। टेल मी हाउ टू फॉरगिव यू, कह रही है कि टेल मी हाउ टू फॉरगिव यू, कैसे आपको भूल जाऊं, जबकि वो मैं ही हूं। ठीक है, एंड आई विश आई कुड फ्री यू, अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं कामना कर रहा हूं कि तुम्हें आजाद कर दूं। आई कुड फ्री यू ऑफ द हार्ट एंड द पेन, इस दर्द और इस जख्म और दर्द से, बट द आंसर इज सिंपल, लेकिन जवाब सीधा साधा है। He is the one to blame. वो जो है वो क्या है, He is the one to blame. वो ब्लेम करता है, मतलब आरोप लगाता है, ब्लेम कर खोज लीजिए इसका मतलब आपको पकड़ में आ जाएगा। इसका फिर आवाज आता है बीवाइंस सकीरा, लेट्स नॉट किल द कोरमा, लेट्स नॉट स्टार्ट द फाइट, इट इज नॉट वर्थ द ड्रामा फॉर ए ब्यूटीफुल लायर। उम्मीद करते हैं इस गाने को आप समझ गए होंगे। अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं जो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख दें, हम उसको
हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।